ये कुछ टिप्स थी बेंच प्रेस को लेकर के। अब चलते हैं मेरी फेवरेट मेजर एक्सरसाइज डेडलिफ्ट। इंस्टाग्राम पे फॉलो किया है तो आप लोग को मालूम होगा कि मैं डेडलिफ्ट जो है शूज उतार के प्रेफर करता हूँ, क्योंकि शूज का बहुत बड़ा गेम है इसमें। अगर शूज की मतलब शूज भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, डेडलिफ्ट के जो शूज होने चाहिए वो एकदम फ्लैट होने चाहिए, उसकी जो हील मतलब जो सोल है जो ये पार्ट है वो फ्लैट होना चाहिए। जैसा आप इसमें देख सकते हैं स्पोर्ट्स शूज है, रनिंग शूज है, उसका ये पार्ट थोड़ा मोटा और आगे ये पार्ट पतला है। अब मैं तो इसे डेडलिफ्ट को फ्लैट फुट मानना पसंद करता हूँ, बाकी आपकी अपनी चॉइस है। और आपने देखा ही होगा इंस्टाग्राम की मेरी पोस्ट में कि मैं डेडलिफ्ट हैवी प्रेफर करता हूँ, बट आपको समझाना है इसलिए मैं लाइट वेट उठा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि पहले जो है जब मैंने शुरुआत करी थी तब मैंने तो खाली रोड से करी थी, और सबसे पहली जो मैं आपको गलती में बताता हूँ उसमें क्या होती है कि ग्रिप का अंदाजा ही है कि ग्रिप कहाँ लेंगे। तो मैं रैंडमली कोई भी ग्रिप ले लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रंट ले लिया तो फ्रंट एक और एक बैक ले लिया, मेन बैक ये जर्की जो जर्क आ रहा है ये नर्क है, इसका इम्पैक्ट सीधा का सीधा आपकी लोअर बैक और स्पाइन पे पड़ेगा और आपको थोड़ा सा ये उसके पहला पार्ट है क्योंकि ये खिंच रहा है। और काफी लोग जो है आपकी जो ये अपर बैक है इसमें हाफ बन जाता है, कर्व बन जाता है। अब मेरी तो मेरा पोस्टर थोड़ा सही हो गया तो इसमें क्या है कि मेरा हम बन नहीं पा रहा, बट मैंने लोगों को देखा उनका हम बन जाता है और वो कुछ ऐसा शोल्डर बाहर रहता है और सिर्फ ऐसे उठ जाता है, तो दिस इज नॉट करेक्ट। और दूसरा एक मैंने हाल फिलहाल भी देखा था जिम लड़के को करते हुए, वो थोड़ी स्क्वाट की पोजीशन में मार रहा था, मतलब उसका रॉड एमसीयू है और वाइट, आप समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं, ये लोअर बैक बिल्कुल नहीं है। तो मैं आपको बताता हूं कि मैं डेडलिफ्ट को कैसे से परफॉर्म करता हूं। तो सबसे पहला जो मेरा स्टेप रहता है फाइंड द फ्लैट ग्राउंड, क्योंकि जो जमीन है उसका बहुत बड़ा गेम है, अगर एक पैर ऊपर नीचे है तो आपकी समझ लो डेडलिफ्ट तिरछी हो जाएगी। सामने से बताऊं तो अगर मेरा एक पैर ऊपर एक पैर नीचे है, तिरछी डेडलिफ्ट मारोगे स्पाइन पोस्चरल डेफिशिएंसीज आपको हो सकती है। तो सबसे पहले फ्लैट ग्राउंड में पकड़ा, रॉड की ग्रिप पहली ग्रिप है ठीक है, लेकिन इतनी वाइड लेनी है कि आपके शोल्डर से बाहर हो, एक बार फ्रंट से आके आप देख सकते हैं तिरछाई में, ज्यादा नहीं वाइड लेनी है, ज्यादा नहीं क्लोज। ये मेरा पैर शोल्डर लेंथ, हल्की सी बाहर, पैर से हल्की सी बाहर, अंदर नहीं बाहर, एक ओवर लूंगा एक अंडर लूंगा ताकि क्या दोनों तरफ इंपैक्ट है, एक ओवर लिया एक अंडर, बाकी लोगों की चॉइस होती है वो ओवर भी कर सकते हैं अंडर भी कर सकते हैं, बट मैं एक ओवर एक अंडर, इससे क्या है पावर ज्यादा जनरेट होगी। और बेसिक पहले मैं स्क्वाटिंग पोजीशन आप देख सकते हो कि मैं कैसे बैठा हूँ, साइड में तो आप देख सकते हैं मैं कैसे बैठा हूँ, ना ही ज्यादा स्क्वाटेड है, मेरी कमर भी आगे झुकी हुई है। आप देखिएगा ये मैंने लिफ्ट की, ये मेरी इनिशियल पोजीशन सुन दिया, पीछे देखो पीछे चेस्ट आउट एकदम कमांड में होता है एकदम सीधे, और जब आप नीचे भी जाओगे अपर बॉडी से जितना नीचे जा सकते हैं उतना नीचे जाए, बस ये मेरा जो रॉड है वो शोल्डर की लाइन में आप देख सकते हैं, फिर पैर से नीचे जाने की कोशिश करिए, दिस इज वन रैप टू लेट्स गो थ्री, इसका पूरा इंपैक्ट मेरी बैक पर है, आप देख सकते हैं रॉड जरा सी भी आगे पीछे नहीं हो रही है, क्योंकि रॉड अगर आगे पीछे हो गया अगर मैं यू ही मारू तो आप देख रहे हैं हल्का सा मूवमेंट बिगड़ रहा है, बट आपको क्या करना है कि आपकी जो रॉड है वो इस लाइन में हो जहां से आप उठा रहे हैं, समझ रहे ये लाइन में आपकी रॉड जो है वो इस एक लाइन में उठनी चाहिए, तो अगर लाइन में उठेगी तो पूरा का पूरा इंपैक्ट आपकी बैक पर आएगा, और जब आप ऊपर की ओर ला के बाहर की ओर स्क्वीज करेंगे ना लैट्स आपको फील होगा, शोल्डर मेरे आगे नहीं जा रहे पीछे ही रहे, तो उससे क्या है मेरी बैक का पूरा इंपैक्ट अभी भी है। और गर्दन का भी बहुत बड़ा गेम है, आपको मैं बताऊं अगर स्पाइन और आपकी जो गर्दन की ये इधर की एक बोन है वो कनेक्टेड है, अगर वो सीधी नहीं उठेगी तो आपको गर्दन में बहुत तगड़ा पेन होगा। अगर आप इधर उधर देख रहे डेडलिफ्ट मारते हुए, अगर मैंने डेडलिफ्ट मारा और मैं इधर देखते हुए कर रहा हूँ तो ये देख रहे हैं तो ये पूरी सीधी लाइन बिगड़ रही है, तो हमें जब भी डेडलिफ्ट मारनी है तो मैंने ये रॉड उठाई सामने देखना है, सामने आपकी रॉड के एकदम सामने पॉइंट, ये मैंने उठा मेरी गर्दन को देख लिया मूव नहीं होगी, एक मेरी गर्दन और मेरी स्पाइन एक प्रोपोर्शनेट लाइन में, दो
एक चीज और कि अगर आपको अपनी फॉर्म को चेक करना है, मतलब आप सामने देख के करोगे तो फिर नहीं कर पाओगे। अगर फॉर एग्जांपल ये मेरा मिरर है, मिरर के साइड में बढ़ के देखना है और वेट हैवी ना करके लाइट वेट के साथ करना, तो क्या है वो गर्दन वाला पॉइंट जो मैं समझा रहा था, क्योंकि आप फॉर्म देखोगे तो आप इस तरफ देख रहे हो, तो आपको अगर फॉर्म चेक करनी है तो आप मिरर में मतलब मिरर के सेंटर में ना खड़े होके टर्न होकर खड़े हो लेफ्ट या राइट भी साइड और फिर करें, तो उससे क्या आपको आपकी फॉर्म का अंदाजा लगेगा स्क्वाट्स में भी और इसमें डेडलिफ्ट में भी। बेंच प्रेस में आपको फील करना पड़ेगा कि आपके यहाँ पे आर्म बन रहा है, हाथ लगा के चेक करना पड़ेगा। तो ये थी मेरी इन्फॉर्मेशन इन तीनों एक्सरसाइज से रिलेटेड, क्योंकि ये तीनों एक्सरसाइज ऐसी है कि जो आपकी मसल बिल्ड करेगी। दूसरा, अगर आप वेट लॉस पे हो तो उसका उस एक्सरसाइज का इम्पैक्ट आपकी उस पर्टिकुलर मसल पे होना चाहिए, क्योंकि वेट लॉस में गोल ये होता है कि हमारी मसल प्रॉपरली ट्रेन हो रही है कि नहीं हो रही है और बॉडी फैट थोड़ा कम करना होता है, कोई भी गोल हो। तो अगर आप ये एक्सरसाइज परफेक्ट करते हैं तो उसका इम्पैक्ट आपको अच्छा मिलेगा, और अगर नहीं करते तो आपकी स्पाइन को उसके लिए पे करना पड़ेगा। और आपको अगर पूरी वीडियो पसंद आई या पूरी वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन लगी तो इस वीडियो को एक थम्स अप दीजिए और कमेंट करिए, और जो भी नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए हो, अगर आपको स्क्वाट, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट इन तीनों में से कोई भी पार्ट आपको यूजफुल लगा तो इस वीडियो को शेयर। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, और जो मैंने ये फैलाया है अपने वेट्स को वापस रखता हूँ। प्लीज़।